us discuss the sizes of your monitor. How the sizes of your monitor can be recognized. In any display screen, the size is always calculated diagonally. It should not be calculated according to its heights or widths. No. The length of your diagonal position of any screen there is calculated according to the size. We can say the size of your screen can be calculated diagonally, not according to its heights nor according to its width. Now the monitor could be portrait, or it could be a landscape. Now, what is portrait and what is a landscape? Portrait means that the height of a screen is greater than the width of a screen. And landscape monitors are where the height is less than the width of your screen. We usually, when programmers which are using monitors for coding, normally use portrait and to look at the videos. Hum videos dekhne ke liye hum usually jo hai wo hum landscape monitors jo hain wo istemal karte. Ab sizes normally jo hamare paas display screens hain monitors ki wo usually 14 inches se start hoti hain, aur aajkal to above 40 inches हम यूज़ कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स. हमारे पास एक वाइड रेंज है साइजेस की आजकल, जिनके ज़रिए हम किसी भी तरह का आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. अब ये तो हमारे पास हो गई कि अकॉर्डिंग टू साइज हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं अपने मॉनिटर्स को. लेकिन हमारे मॉनिटर्स जो हैं वो एक और तरीके से डिवाइड होते हैं या क्लासिफाई होते हैं, और वो होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिग्नल्स. अब मॉनिटर्स के पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक होता है डिजिटली और एक होते हैं एनालॉग डिस्क. नॉर्मली जो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस मॉनिटर्स हैं वो हमारे पास एनालॉग मॉनिटर्स हैं. डिजिटल मॉनिटर्स वो मॉनिटर्स होते हैं जो कि नॉर्मली क्लॉक्स या नंबर्स या टेक्सचुअल डेटा को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. लेकिन जो मॉडर्न मॉनिटर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास एनालॉग टेक्नोलॉजी या एनालॉग सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं. नाउ एट द लास्ट टॉपिक ऑफ मॉनिटर, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो मॉनिटर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और उन करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर हमारी जो आउटपुट रिजल्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. नो द फैक्टर दैट अफेक्ट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉनिटर क्वालिटीज are, the first factor is resolution. अब resolution क्या है कि किसी भी monitor के अंदर कितने ज़्यादा number of pixels हैं. अब जितने ज़्यादा number of pixels होंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास display points होंगे और वो जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ packed होंगे, उतना ही हमारी क्लियर इमेज आएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये आपको ये करूँ तो एक मैं ये लाइन बना लेती हूँ,
अब एक मेरे पास स्क्रीन पर एक ये लाइन है, और अगर मैं दूसरी स्क्रीन पर और बहुत करीब करीब और करीब कर दूं, इसे डेंसली पैक कर दूं एक दूसरे के साथ पिक्सल्स को, तो वो मेरी इमेज को और ज़्यादा क्लियर कर देगा। तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन जो है वो किसी भी मॉनिटर की नंबर ऑफ पिक्सल्स को, एरिया उसकी, आपकी साइज वाइज के उसके अंदर कितने आपके पिक्सल्स इंस्टॉल्ड हैं या आइडेंटिफाइड हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा जब वो पैक एक दूसरे के करीब होते हैं या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो वो एक शार्प इमेज, एक क्लियर इमेज जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ योर सिग्नल्स, के आपका जो मॉनिटर है वो कितने सिग्नल्स को जो है वो सपोर्ट कर सकता है पर सेकंड, के आपके कितना, जितना ज़्यादा आपके का बैंडविड्थ होगा, जितना ज़्यादा आपके पास डेटा जो है वो एंटर हो सकता है आपके मॉनिटर के अंदर, उतना ही आपकी जो रेजोल्यूशन है या आपका, आपके जो मॉनिटर का डेटा हैंडलिंग है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जितना आपका बैंडविड्थ कम होता चला जाएगा, डेटा ट्रांसफरिंग जिसे हम कहेंगे एक तरह से, सिग्नलिंग कम होती चली जाएगी, आपकी रेजोल्यूशन जो है वो इतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, और जब आपकी रेजोल्यूशन डिक्रीज होगी तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी लो क्वालिटी पे चला जाएगा। द नेक्स्ट इज रिफ्रेश रेट। अब रिफ्रेश रेट क्या है? हम जब छोटे थे तो हम ये एक बुक क्रिएट करते थे जिसमें इमेज हर एक पेज पर ऐसा करके, अगर एक पेज पर एक इमेज यहाँ पर है तो दूसरे पेज पे फिर वो यहाँ आ जाती है, फिर तीसरे पेज पे फिर वो एक और कॉर्नर पे चली जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आखिरी पेज तक वो बिल्कुल यहाँ पर होती है, और फिर आखिरी पेज पे वो गायब हो जाती है, और फिर जब हम इन सारे पेजेस को मिलाकर और उसे फ्लिप करते थे इन पेजेस को, तो वो एक तरह का वीडियो क्रिएट हो जाता था। यहाँ पे मॉनिटर की टेक्निक में भी यही चीज़ होती है कि जितनी तेज़ी के साथ एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन को कवर अप कर लेती है, या आप ये कहिए कि एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन को ओवरराइड कर लेती है, रिफ्रेश कर देती है, उतना ही आपके विजुअल या आपका डिस्प्ले जो है वो अच्छा आता है। अगर एक स्क्रीन डिस्प्ले और दूसरे स्क्रीन डिस्प्ले के दरमियान अगर गैप जितना ज़्यादा होगा, आपका रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा, आपका उतना ही आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर आएगा। लेकिन जितना आपका डिस्टेंस ऑफ रिफ्रेश, कि मतलब एक स्क्रीन डिस्प्ले देर से दूसरी डिस्प्ले को ओवरकम कर रही है, अगर उसकी जगह ले रही है, तो आपका जो इमेज है, जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आता है। जितनी तेज़ी के साथ आपकी स्क्रीन रीजनरेट होती हैं या रिफ्रेश होती हैं, उतना ही आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैंडविड्थ का एक और फ़ायदा ये होता है कि जितना तेज़ी के साथ हमारे पास हमारा सिग्नल रेट्स बढ़ते हैं, हमारी सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसीज बढ़ती हैं, हमारा रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट दोनों बढ़ जाते हैं। एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए कम से कम हमारा रिफ्रेश रेट जो है वो 72 हर्ट्ज होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच रिफ्लेक्ट्स और विच अफेक्ट्स द डिस्प्ले क्वालिटी और यू मे से मॉनिटर क्वालिटी इज दैट इज डॉट पिच।
Now, what is dot pitch? The dot pitch is a distance between two pixels. अब जितना दो पिक्सल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा उतनी ही हमारी इमेज जो है वो क्लियर आएगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करूं तो ये चीज़ उतना ही ज़्यादा जितना मैं दो पिक्सल्स के दरमियान डिस्टेंस को कम करती जा रही हूँ उतनी ही मेरी इमेज जो है वो क्लियर होती जा रही है. तो डॉट पिच क्या है? डॉट पिच वो स्पेस है जो कि दो पिक्सल्स के दरमियान होती है. जितना डॉट पिच कम होगा उतना ही हमारी इमेज क्लियर होगी. द लास्ट थिंग इज कन्वर्जन्स. अब कन्वर्जन्स क्या है कि कोई भी पिक्सल कितनी शार्प है, कितना शार्प इमेज दे रही है और कितनी क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत करीब करीब ये दे रही हूँ लेकिन मेरी पिक्सल्स जो हैं वो शार्प नहीं हैं. लेकिन अगर मेरी पिक्सल्स शार्प हों और एक दूसरे के करीब करीब भी हों तो वो ज़्यादा बेटर इमेज जो है वो आपको दे रही होती है. तो द लास्ट अफेक्ट या फैक्टर जो है वो आपका है कन्वर्जन के. जितना ज़्यादा आपकी इमेज आपका जो पिक्सल है वो शार्प होगा और उसकी इमेज क्लियर होगी उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट बेहतरीन आएगा. नो स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक्स विच इज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट असाइनमेंट. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो योर हेल्पफुल to complete your assignment on time. Best of luck. I hope you will do great. Thank you. Allah Hafiz.